बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जेली फैक्ट्री के एक स्टॉल पे और ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और ये स्टॉल इन्होंने बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा मिनी स्टॉल लगाया हुआ है और ये इनके पास काफ़ी अच्छी जेलीज हैं और ये सारी बाहर से इम्पोर्ट होकर आती हैं। और ये जितने भी ये टारगेट करती हैं, जितने भी किड्स हैं, बच्चे हैं, जितने उन सबको ये टारगेट करती हैं। तो भाई ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी जेलीज इस टाइम पे मौजूद हैं? हमारे पास मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं जेलीज के। अच्छा, ये रसबेरी वाली है, ब्लूबेरी है। ये कौन सी है, इसका बताइएगा? रसबेरी है, ये रसबेरी है, ठीक है। ये ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी बॉटल्स हैं, ठीक है। सावर, ये ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी बॉटल्स हैं, ठीक है। इसमें फ्लेवर कौन सा होता है? स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिक्स है। अच्छा, ब्लूबेरी मिक्स है, ठीक है। और ये डॉल्फिन जेली है, ये डॉल्फिन जेली है जनाब ये। और ये बिल्कुल छोटी छोटी फिश बनी हुई है और उसकी तरह की जेली है जो हम बचपन में भी खाया करते थे। अच्छा, ये चैरी है। अच्छा, ये चैरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मुख्तलिफ आपने चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, जिस तरह की ये आपकी ये है। अच्छा, ये ब्लूबेरी केबल्स हैं, मतलब केबल्स लाइक तार की तरह जिस तरह होती हैं, ठीक है। ये जनाब देखें ब्लूबेरी केबल्स। और ये सारी जितनी भी जेलीज हैं ये बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं, टर्की से आती हैं। तो ये भाई हमें बता रही हैं ये टर्की से इंपोर्ट होके आती है। अच्छा, इसमें